हाय फ्रेंड, आज मैं आपको झींगे का पुलाव, प्रॉन्स पुलाव घर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बनाने का बता रही हूँ मेरी तरीके से। ये आप देख सकते हैं, एक एक दाना खिला खिला, ये देखें, और वेजिटेबल के साथ में प्रॉन्स पुलाव। इसकी रेसिपी देखते हैं, अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी हो, खुश आबाद हो और अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में हो। अल्लाह ताला आपको सेहत, आफियत और तंदुरुस्ती के साथ में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में हमारी आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो चले आइए, आज हम बनाने जा रहे हैं प्रॉन्स पुलाव। देखिए, जिसके लिए यहाँ पे मैंने, ये देखिए, ये प्रॉन्स लेके झींगा और उसको साफ़ करके ले लिया। ये मेरे पास में 1.25 किलो थे साफ़ करके, ये अब 1/2 किलो बचे हैं। और जितना बड़े वालों का टेस्टी नहीं बनता है ना, उतना ये स्मॉल वाले का आप बनाइएगा, ये खाने में बहुत ही यमी बनते हैं। तो आज मैं इसका, अभी आपको मैंने कुछ एक वीक पहले इसका झींगा मसाला भी ग्रीन मसाले में बनाना बताई थी, तो आज इसका मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पर मेन इसका है मसाला पुलाव का, तो इसमें गया है 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अक्खा धनिया, कोतमीर, कोरिएंडर, हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, लहसुन, 1 इंच अदरक, ठीक है। ये सब डाल के मैंने इसको पीस ली हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर ली हूँ जिसको मैंने कट कर ली हूँ। 1 चम्मच ज़ीरा है, 5 से 6 काली मिर्ची है, दालचीनी है और 2 तेज़पत्ता है। और यहाँ पे 2 बड़ी प्याज ली हूँ मैंने कट करके, और कड़ी पत्ता तो इसमें लाजमी जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स भी डालूंगी, तो जिसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजर है, बीन्स है, एक बटाटा है, शिमला मिर्च है, और यहाँ पे मैंने मटर भी ली हूँ, ये फ्रोजन है, इसको मैंने अभी पानी में डाल के रखी हूँ थोड़ा, ठीक है। तो बहुत ही कलरफुल, बहुत ही यमी, डिलिशियस, आइए हमारी आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो आपको अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हमारा आज का बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रॉन्स पुलाव रेसिपी। मैंने देखिए ऑयल डाल के पैन को रख दी हूँ, अच्छे से गर्म हो गया ये। अब इसके अंदर जो मैंने आपको ज़ीरा, काली मिर्ची, 1 बादियान का फूल और 2 तेज़पत्ता ये डाल दी मैंने, जैसे इसकी अच्छे से खुशबू आने लगेगी मसालों की। गरम मसाले कभी भी बनाए पुलाव बिरयानी तो थोड़े से चटकने दिया करें, क्योंकि इसका एक अपना फ्लेवर होता है। अच्छे से जब ये ऑयल के अंदर बनता है ना, तो इसका अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो कड़ी पत्ते बताई थी आपको वो ले ली हूँ, और अब डाल देंगे प्याज। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने देते हैं प्याज को हम अच्छे से। प्याज हमारी जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जो जल्दी से प्याज हमारी गोल्डन हो जाए। नमक डालने से प्याज का मॉइस्चर जल्दी ख़त्म हो जाता है, जिससे प्याज जल्दी ब्राउन हो जाती है। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रही है, और मैंने राइस भी, बासमती राइस को मैंने धो के भिगा दिया है। फ्रेंड, मैंने 1/2 किलो राइस ली हूँ, अब 1/2 किलो प्रॉन्स है, और सारी वेजिटेबल्स भी 300 ग्राम है मिक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, प्याज अच्छे से हमारी गोल्डन होने आई है, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे जो मैंने मसाला पीसी हूँ ये डाल देंगे हम।
इसके अंदर देखिए खाली धनिया पाउडर जाएगा, यहाँ पर हमने टमाटर एक कट करके रखे हैं वो डाल देंगे, इसके अंदर दही डालेंगे एक चम्मच भर के, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले को अच्छे से पकने देंगे, इसी के साथ में जो हमने ये प्रॉन्स रखे हुए ये डाल देंगे, और प्रॉन्स के साथ में जो ये वेजिटेबल मैंने धो ली हूँ ये डाल देंगे सारे। माशाल्लाह इसके अंदर एक मैगी क्यूब डालूंगी मैं, वेजिटेबल वेज मैगी क्यूब है, अगर आपके पास में चिकन वाला हो तब वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें अभी शिमला मिर्च नहीं डाली हूँ क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी पक जाती है। मटर है ये डाल देंगे, देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह बहुत ही कलरफुल लग रहा है। इसको ढक देती हूँ, देखते हैं। देखिए माशाल्लाह फ्रेंड एक टाइम जरूर ट्राई करिएगा ये। इसको पूरा ऑयल सेपरेट होने देंगे हम अच्छे से, फिर राइस डालेंगे। आइए देखें मसाला बहुत अच्छे से हो चुका है ये। अब इसके अंदर डाल देंगे हम पानी, देखिए इसमें गाजर बीन्स मटर कितने अच्छे लगे, तो ज़रूर आप भी डालिएगा फ्रेंड बहुत ही मज़े के लगते हैं। और शिमला मिर्च देखिए मैंने अब डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि ये पहले डालते ना तो एकदम गल जाते अच्छे नहीं लगते। और अब यहाँ पे जो मैंने चावल भिगा के डाली हूँ ये चावल लेंगे और हम इसमें चावल सारे डालेंगे। चावल डालने के बाद में मैं अब इसमें पानी डालूँगी, गैस का फ्लेम फास्ट है। ये आधा किलो राइस ली हूँ मैंने, अगर आप तीखा चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा नॉर्मल बनाई हूँ।
अब यहाँ पे देखें पानी मैं डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक चेक करेंगे, यहाँ पे अभी हम देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल के हिसाब से नमक डाल देंगे और यहाँ पे मैंने एक नींबू ली हूँ वो पूरा मैं इसमें डाल दूंगी, एक लेमन है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको अब मैं कोथमीर डाल के और ढक के रख दूंगी। कोथमीर कट करके डाल देंगे बस, अब इसको ढक के रख देते हैं। लेते हैं हम राइस, ये देखिए माशाल्लाह गैस को अब स्लो करके दम पे रख देंगे। पानी देखिए एकदम परफेक्ट हो गया, मैं अंदाजे से ही डाल दी थी क्योंकि भीगे हुए चावल होते हैं ना तो ज़्यादा पानी नहीं लगता है। माशाल्लाह अब आपकी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर घी डालें ऑयल डालें, क्योंकि जो हम ऊपर ऑयल डालते तो फिर इससे चावल ड्राई नहीं रहते, ठीक है, इससे ड्राइनेस नहीं आती है। हम इसको दम पे रख देंगे, इसमें मैं अभी ये मेरे पास में बिरिस्ता है थोड़ा डालेंगे बस, और इसको दम पे रख देते हैं 15 मिनट तक। 15 मिनट हो गया माशाल्लाह, ये देखें हमारा आज का प्रॉन्स पुलाव बनके एकदम खिला खिला सा और बहुत ही कलरफुल और ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी और हम लोग इसको बाद में आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। अभी हम देख सकते हैं फ्रेंड आज का हमारा प्रॉन्स पुलाव बनके रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही एक एक दाना खिला खिला सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड, और हमारी ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए, रेसिपीज पसंद करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखिए हमने ये सलाद बनाए हैं, ये भी रख दी हूँ मैंने साथ में, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हुआ है। अपने दुआओं में हमें भी याद रखें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक ऐसी रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।